नमस्कार श्रद्धालुओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉयन द स्पिरिचुअल सीक्रेट में। और मैं सुनील हमेशा की तरह इस वीडियो में आपको कुछ खास बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। और यदि हम बात करते हैं साधना की, तो आखिर साधना में सुरक्षा घेरा क्यों बनाना चाहिए, सुरक्षा घेरा बनाना या सुरक्षा चक्र बनाना। श्रद्धालुओं, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप हिंदू धर्म की संस्कृति और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें। तो आइए श्रद्धालुओं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। श्रद्धालुओं, हम कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग का असर इतना बढ़ चुका है कि कोई भी साधना करने बैठो या पूजा करने बैठो तो मन विचलित हो जाता है। और ये तमाम ऐसे श्रद्धालु हैं जिनके साथ ऐसा होता ही है, हमारा मन भटकने लगता है और ऐसा होने से हमारी पूजा या साधना खंडित हो जाती है और हमें उसके परिणाम नहीं मिलता जो उम्मीद लेकर हम बैठे रहते हैं। यहां तक कि कुछ ऐसी बुरी शक्तियां आपके आसपास के लोगों को इस तरह से प्रभावित करेंगी कि वो आपकी साधना या काम में विघ्न डाल देते हैं। जैसे कोई जरूरी काम का आ जाना, किसी काम का किसी दूसरे आदमी की तरफ से आगे ना बढ़ना, बार बार ऐसा होने से जब हमें परिणाम नहीं मिलता तो हम पूजा करना ही छोड़ देते हैं और हमारा जीवन कठिनाइयों से भर जाता है। और साधना सफल हो इसके लिए हमें पूर्ण विश्वास के साथ साधना करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ बुरी शक्तियों को रोकने के लिए भी हमें प्रयास करने चाहिए। आज हम इसी विषय पर जानकारी लेकर आए हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि आखिर सुरक्षा घेरा क्यों बनाया जाता है। कुछ साधनाएं एवं उनके स्थान ऐसे होते हैं जहां साधक को साधना काल में अधिक खतरा होता है। जैसे कि कुछ ऐसे हैं कि एक ऐसा स्थान होता है जहां नकारात्मक शक्तियां होती हैं, ऐसे स्थान से बचना चाहिए। जिस देवी या देवता की साधना कर रहे हैं उसकी शक्तियों से, हिंसक पशुओं से, साधना स्थान पर बाहरी लोगों की दृष्टि से बचने के लिए साधना में आखिर क्यों जरूरी है सुरक्षा घेरा बनाना या सुरक्षा चक्र बनाना। देखिए श्रद्धालुओं, जब आप साधना की शुरुआत करते हैं या साधना करते हैं तो भूत प्रेत या नकारात्मक शक्तियां आपकी साधना में बाधा पहुंचाने का काम करती हैं, जिससे आप किसी भी सिद्धि को ना पा सके और आप भी निम्न स्तर का जीवन ही प्राप्त कर सके। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि ये लोग अपनी साधना में दिलचस्पी रखते हैं, यह तरह की पूजा पाठ करते हैं, कई तरह का भोग भी चढ़ाते हैं, कई तरह की सेवा करना चाहते हैं। उन लोगों को अपना सेवक बनाना या उनके शरीर में प्रवेश कर जाना ये नहीं चाहते कि आप कोई साधना कर पाए। इसलिए जब भी आप कोई साधना करते हैं तो साधना करने से पहले सुरक्षा घेरा अपने चारों ओर बनाएं, जिससे कि ऊपरी बाधा आपको कोई नुकसान न पहुंचा पाए। कई तरह के साधकों के अनुभव सुनने में मिलते हैं और शुरुआत में तो उन्होंने साधना के दौरान सुरक्षा घेरे जरूर बनाए, लेकिन एक वक्त होता है और उसके बाद इंसान को लगता है कि हमें तो इतना वक्त हो गया है, अब हमें आखिर इसकी क्या जरूरत है, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। और जब उन्होंने सुरक्षा घेरा नहीं बनाया और सोचा कि नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो अनुभव रहा वो बेहद भयावह रहा है, डराने वाला रहा है। वे बताते हैं कि उनके परिवार वालों ने बताया कि उनकी पीठ पर तलवार मारने जैसा लाल खून का निशान बना हुआ है, लेकिन इस बात की उन्हें जानकारी नहीं मिली, ना ही उन्हें इस बात का दर्द हुआ कि आखिर ये निशान बना कब। और जब उन्होंने पानी से इसे धोया तो ये निशान साफ भी हो गया। यानी एक तरह से वो साधक जिस भी देवी या देवता की पूजा कर रहे थे उन्होंने यह संकेत दिया कि तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए सुरक्षा घेरा बनाना बेहद जरूरी है। और उसके बाद बिना सुरक्षा घेरे के साधना ना करें तो ही आपके लिए बेहतर होगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप साधना से पहले सुरक्षा घेरा बनाएं, नहीं तो यह भी हो सकता है कि आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आप किसी नशे में हैं, आपको दुनिया की जानकारी नहीं है कि आखिर क्या चल रहा है, या अजीब तरह की आप हरकत करने लगे, तो समझ जाइए कि आप पर इन काली शक्तियों का असर हो गया है, क्योंकि आपने सुरक्षा घेरा नहीं बनाया है। अगर आपको अंधेरे से डर ना लगे और लगे कि मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया हूं, तो समझ जाइए कि आप पर इन काली शक्तियों का असर हो गया है, क्योंकि आपने साधना घेरा या सुरक्षा घेरा या सुरक्षा कवच नहीं बनाया। सुरक्षा कवच बनाना बेहद जरूरी है और आपको बताऊंगा कि आखिर कैसे सुरक्षा कवच को बना सकते हैं। तो सबसे पहले राई को आप अपने हाथ में लीजिए,
दसों दिशाओं में उसे फेंक दीजिए। उसके बाद मंत्र को बोलते हुए दसों दिशाओं में राई को हमें उछालना है। आप जानते हैं कि चार दिशाएं, चार कोण और आकाश और धरती दस दिशाएं होती हैं। साथ में चाकू लेकर अपने चारों ओर एक गोला आप अवश्य बना लीजिए। इस तरह से आप अपने और अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकते हैं। इसके बाद आपको कोई भी असुविधा नहीं होती है, या आपके घर में बच्चों को नजर लग गई है और सभी को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो इस मंत्र के पढ़ने के बाद राई को अपने घर के मुख्य द्वार पर रख सकते हैं, जिससे कि आपके ऊपर जो ऊपरी बाधा है उसका असर आपको ना हो। यह तो हमने जान लिया कि आखिर सुरक्षा घेरा क्या होता है, कैसे से बनाया जाता है, लेकिन आइए बात करते हैं कि सुरक्षा घेरा हमें सुरक्षा आखिर कैसे देता है। सुनने में ये बड़ा मामूली सा लगता है, एक अजीब सा लगता है कि आप साधना करने बैठे हैं और आपने घेरा बना दिया जो कि आपको सुरक्षित कर लेगा। दरअसल ये कोई गणित की रेखा नहीं है, कोई चीज नहीं है जो कि नमक, धातु या आदि सुरक्षा प्रदान नहीं करती। सुरक्षा के लिए किसी शक्ति को नियुक्त किया जाता है, इसके लिए उस शक्ति को बुलाया जाता है, आवाहन किया जाता है, स्थापना की जाती है, बलि, ऊर्जा, क्षेत्र का निर्माण किया जाता है आदि तमाम चीजें की जाती है। विभिन्न साधनाओं से अलग अलग विधान होते हैं, कुछ खास वस्तुएं और आदि इनमें हमें लेना होती है, शामिल करनी होती है। कई बार कोई साधना करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना उसके लिए सुरक्षा घेरे का निर्माण या वो तमाम वस्तुएं इकट्ठा करना हो जाता है। यदि यह सुरक्षा घेरा सही नहीं है तो मंत्रों आदि के जाप तो विफल होते ही हैं, साथ ही साथ शारीरिक या मानसिक व्याधियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। साधक को शुरुआत में यह सुरक्षा घेरा गुरु की शक्ति के द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि साधक के पास स्वयं उपयुक्त शक्ति नहीं है। कुछ साधनाओं के पश्चात यह सुरक्षा घेरा स्वयं बनाना होता है, इसमें भूल नहीं होनी चाहिए। इसलिए इसके पहले वैदिक ज्यामिति यंत्र, ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण आदि विषय समझकर ही हमें अभ्यास करना होता है। दरअसल धर्म शास्त्रों के अनुसार सभी पूजा पाठ शुभ फल देने वाले होते हैं। देवों का आशीर्वाद पाने के साथ साथ विशेष कार्य की सिद्धि के लिए साधकों द्वारा समय समय पर पूजा पाठ का आयोजन किया जाता है। जब कभी व्यक्ति किसी बाहरी पीड़ा या बाधा या नकारात्मक शक्ति भी से नाम दिया जा सकता है, इसकी गिरफ्त में आ जाता है या इसका असर उस पर होने लगता है, तो ऐसे में विशेष पूजा पाठ का आयोजन कर अपने कष्टों का निवारण करते हैं। इस प्रकार के विशेष पूजा पाठ में नकारात्मक शक्ति का कभी समय पर अपना प्रभाव दिखा भी सकती है, और इसलिए इस प्रकार की पूजा से पहले सुरक्षा चक्र बनाना अति आवश्यक और अति अनिवार्य हो जाता है। और ये कहा जा सकता है कि जो साधक सुरक्षा घेरा या सुरक्षा चक्र बनाता है तो उसे तो सुरक्षा मिलती ही है, लेकिन अब यदि हम परिवार वालों की बात कर लें तो परिवार वालों को चिंता रहती है कि साधना की जा रही है, कहीं कोई समस्या तो खड़ी नहीं हो जाएगी, या कोई ऐसी समस्या ना आ जाए, ऊपरी बाधा ना आ जाए या नकारात्मक शक्तियां ना आ जाए कि जो हमारा परिवार का व्यक्ति है वो किसी संकट में गिर जाए। तो साधकों, एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप साधना करें तो सुरक्षा चक्र जरूर बनाएं। तो आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही कुछ खास जानकारी लेकर आपके बीच फिर आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।